मैं श्रीमती किरण सिंह पीएस भगवानपुर से। आज हम मूर्त वस्तुओं से घटाव की संक्रियाएं सीखेंगे। बादल, इस फूल को गिनो कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इस 15 फूल में से 7 फूल आप राधिका को दे दो। जोर से बोलो। 3, 4, 5, 6, 7। अब तुम्हारे पास कितने फूल बचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। तो इस तरह से 15 फूल में से 8 फूल तुम राधिका को दे दिए, तो तुम्हारे पास 8 बचे। ये हमारी घटाव है। ठीक, अब मैं तुम्हें कॉपी में करके बताती हूँ। देख, ये 15 है, 15 फूल में से 8 फूल तुमने किसको दे दिए, राधिका को। 7 फूल दिए, 7 फूल में कितना बचा, 8 बचा। इसे हम घटाव कहते हैं। अब मैं तुम्हें एक संख्या देती हूँ, 12। 12 में से 4, इसको करके दिखाओ। करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 में कितना घटाना है, 4। हाँ, 4 अलग करो, गिनके अलग अलग करो। 1, 2, 3, 4 कितना बचा, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, उसमें लिखो कॉपी में, ये 8 है। अब राधिका, अब तुम करो। 17 गोटी निकालो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 में से 5 अलग करके बादल को दे दो। 1, 2, 3, 4, 5। कितना बचा आपके पास, 1, 2 अलग अलग करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ, 17 में से 5 गया तो कितना बचा, 12। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 17 में से 5 घटाए